नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये करेंगे उत्तराखंड पीजीटी क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये क्वेश्चन पेपर मुझे कहीं से प्राप्त हुआ था, तो चलिए आज की वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो आज से हम एक नई सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, इसमें हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आदिकाल में पहेलियों एवं मुखरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे। तो जो आदिकाल में पहेलियाँ और मुखरियों की रचना की थी, तो ये की थी अमीर खुसरो के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल उचित होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है दो, पूछा गया है आदिकाल को आधार काल किसने कहा। तो जो आदिकाल को आधार काल कहा था, तो ये डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा कहा गया था। विकल्प सी बिल्कुल उचित होगा। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है तीन, पूछा गया है आहला और उदल किस राजा के सामंत थे। तो जो आहला और उदल थे, यह राजा परमाल के सामंत मानते जाते हैं। यहाँ पर जो विकल्प उचित होगा। अगला क्वेश्चन है चार, पूछा गया है नाथपंथ के प्रवर्तक कौन थे। तो जो नाथपंथ के प्रवर्तक थे, तो ये गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है पाँच, पूछा गया है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो जो सिद्धों की संख्या मानी जाती है यह 84 है। सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है छः, पूछा गया है इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तो जो अष्टछाप का कवि नहीं होगा, तो ये होंगे विकल्प सी हरिव्यास देव। तो जो हरिव्यास देव थे, ये अष्टछाप के कवि नहीं थे। बाकी कुंभनदास, सूरदास और चतुर्भुजदास, ये तीनों ही अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा। आचार्य विट्ठलनाथ बल्लभाचार्य जी के पुत्र माने जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सात, पूछा गया है हठयोग का उपदेश किसने दिया था। तो जो हठयोग का उपदेश दिया था, तो ये गुरु गोरखनाथ के द्वारा दिया गया था। तो जो गुरु गोरखनाथ थे, ये नाथों से संबंधित थे, इसे भी याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हठयोग है किस संप्रदाय से संबंधित है। तो जो हठयोग है ये नाथों से संबंधित है, कहीं आप गलती से इसे सिद्धों से संबंधित ना कर दें, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आठ, पूछा गया है रामकथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। तो जो उक्ति है यहाँ पर बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार, सही विकल्प बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये नौ है, पूछा गया है कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन किस आलोचक का है। तो जो कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, ये आलोचक होंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है दस, पूछा गया है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये स्वामी हरिदास थे। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है ग्यारह, पूछा गया है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा। तो जो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था, ये नावादास के द्वारा कहा गया था। यहाँ पर जो सही विकल्प ए होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो भक्तमाल है किसकी रचना है। तो जो भक्तमाल है, यह भी नावादास की ही रचना है। इस रचना में इन्होंने कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास जी को कहा है। अगला क्वेश्चन है बारह, पूछा गया है मीरा की भक्ति किस प्रकार की है। तो जो मीरा की भक्ति थी, यह माधुरी प्रकार की थी। यहाँ पर जो विकल्प से बिल्कुल उचित होगा। दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ, आपको बताना है कि जो सूरदास थे उनकी भक्ति किस प्रकार की थी और जो तुलसीदास थे इनकी भक्ति किस प्रकार की थी, यह आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगला जो क्वेश्चन है यह तेरह है, पूछा गया है भक्तिकाल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है। तो जो ये कथन है किसका है। तो ये कथन होगा जॉर्ज कियर्सन का, सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है चौदह, पूछा गया है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो जो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यह आचार्य बल्लभाचार्य माने जाते हैं। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा।
अगला क्वेश्चन है 15, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो जो द्विवेदी युग के कवि नहीं होंगे तो ये हैं विकल्प डी रांगी राघव, बाकी जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गोपाल शरण सिंह और लोचन प्रसाद पांडे, ये तीनों ही द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं सिवाय रांगी राघव की। अगला जो क्वेश्चन है ये 16 है, पूछा गया है प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है। तो जो रचना है प्राचीन पंडित और कवि, यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना होगी। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 17, पूछा गया है गोरखवाणी के संपादक कौन है। तो जो गोरखवाणी के संपादक होंगे तो ये होंगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 18, पूछा गया है निम्नलिखित में से नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है। तो जो नंदुलारे वाजपेयी है इनकी समीक्षा कृति होगी विकल्प ए हिंदी साहित्य विशिष्टावधि, यह भी महत्वपूर्ण है इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19, पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति किस लेखक की है। तो जो कृति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, तो ये होगी डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति। अगला क्वेश्चन है 20, पूछा गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो ये किया था 1903 में, इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी ही परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21, पूछा गया है प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो जो प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन हुआ था तो ये 1914 में हुआ था, यहाँ पर जो बी सही विकल्प होगा। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 22, पूछा गया है कविवचन सुधा के संपादक कौन थे। तो जो प्रसिद्ध पत्रिका है कविवचन सुधा, इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पर जो बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, पूछा गया है राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है। तो जो राजा भोज का सपना कहानी है इसके लेखक माने जाते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो राजा भोज का सपना है ये किस विधा की रचना है, तो अधिकतर विद्वान से कहानी मानते हैं, इसे याद रखिएगा ये कहानी विधा है। अगला क्वेश्चन है 24, पूछा गया है छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है। तो जो ये प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है, तो थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, यहाँ पर जो डी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 25, पूछा गया है महादेवी वर्मा किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो जो महादेवी वर्मा थे यह ज्ञानपीठ प्राप्त किए थे पुरस्कार यामा रचना पर, सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है 26, पूछा गया है जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी गबन। तो जो गबन है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, बाकी जो प्रेमाश्रम सेवा सदन और गबन ये तीनों ही प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है, इसे याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जो यहाँ पर विकल्प डी है ये है परीक्षा गुरु। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, तो वो है परीक्षा गुरु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 27, पूछा गया है भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो प्रसिद्ध पुस्तक है भाषा और समाज, इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा, यहाँ पर जो विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 28, पूछा गया है आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। तो जो आवारा मसीहा है यह एक जीवनी है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो आवारा मसीहा है इसमें किसके जीवनी का जिक्र किया गया है, तो ये किया गया है शरद चंद्र जी का, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29, पूछा गया है
छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो जो ये कथन है ये है प्रसिद्ध कथन और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसके आलोचक अर्थात कहा था कथन डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प ए है ये बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30, पूछा गया है जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो जो जहाज का पंछी है यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और इसका जो रचनाकार माना जाता है यह 1954 है और इसके रचनाकार हैं ईरा चंद्र जोशी। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये 31 है, पूछा गया है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का पहला खंड। यहाँ पर जो विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला जो प्रश्न है ये 32 है, पूछा गया है कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? तो जो कविता के नए प्रतिमान आलोचना है यह नामवर सिंह की आलोचना है। यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33, पूछा गया है तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ था? तो जो तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन हुआ था तो ये 1943 में ही हुआ था। यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल उचित होगा। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो तार सप्तक के संपादक कौन थे या प्रधान संपादक कौन थे? तो ये थे अज्ञेय जी, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 34, पूछा गया है निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो जो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास होगा तो ये होगा विकल्प ए हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। यहाँ पर जो विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 35, पूछा गया है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो जो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी ये की गई थी विकल्प भी 14 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है 36, पूछा गया है हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो जो हिंदी का संबंध रहेगा यहाँ पर ये रहेगा भारतीय भाषा परिवार से। विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37, पूछा गया है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है? तो जो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित होगा तो ये होगा आगरा में। यहाँ पर जो विकल्प डी है उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 38, पूछा गया है मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो जो मालवी है ये राजस्थानी की उपबोली मानी जाती है। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 39, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है गढ़वाली। यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 40, पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी होगी विकल्प ए, माफ करना विकल्प सी मिष्ठान। अगला क्वेश्चन है 41, पूछा गया है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है? तो ये बघेली नहीं होगी, बाकी ब्रज, बांगरू और खड़ी बोली ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां होंगी सिवाय बघेली के। अगला क्वेश्चन है 42, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि होगी? तो ये होगी दोस्तों विकल्प बी जागृति। अगला क्वेश्चन है 43, पूछा गया है पावस शब्द है, तो जो पावस शब्द होगा यह तद्भव शब्द होगा। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 44, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर जो सही या शुद्ध वाक्य होगा तो वो विकल्प डी होगा। विकल्प डी है हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 45, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो तत्सम शब्द नहीं होगा तो वो है
सुमिरन, बाकी श्रावण, खरपर, अर्पण, ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 40, पूछा गया है जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढिए। तो जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अनाहूत, सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 47, पूछा गया है जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो उसके लिए शब्द होगा औपनिवेशिक, यहाँ पर विकल्प ए उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन है 48, पूछा गया है जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये होगा प्रागैतिहासिक, यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 49, पूछा गया है अंत्यत शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ। तो जो अंत्यत शब्द है यहाँ पर उपसर्ग रहेगा अति, डी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 50, पूछा गया है सपरिवार शब्द में कौन सा समास होगा। तो जो सपरिवार शब्द होगा इसमें समास रहेगा विकल्प ए बहुव्रीह। दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको टॉप 5 टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट होंगे ये सभी उच्च श्रेणी के होंगे। जो ये टेस्ट सीरीज होगी ये लैंग्वेज टीचर, नेट, JRF, TGT, PGT इत्यादि सभी हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो ये टेस्ट सीरीज होगी ये हिंदी साहित्य के संपूर्ण सिलेबस से संबंधित होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ GK के क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगला क्वेश्चन है 51, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द होगा तो वो सी होगा, अशुद्ध होगा इस प्रकार से वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था, सी अशुद्ध वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन 52 है, पूछा गया है सूर्य उदय में कौन सी संधि होगी। तो जो सूर्य उदय है यहाँ पर गुण संधि होगी, सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन 53 है, पूछा गया है चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो जो चक्रपाणी है यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, सी उचित विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 54 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। तो जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण रहेगा तो ये है यथाशक्ति, यहाँ पर विकल्प डी उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन है 55, पूछा गया है अलग होने के बोध का कारक है। तो जो अलग होने के बोध का कारक है यह अपादान है, बी उचित विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 56 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से पन प्रत्यय इनमें से नहीं है। तो ये है 56 में पन प्रत्यय नहीं होगा, बाकी भोलापन, बचपन, पागलपन, यहाँ पन प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है 57, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस में कु उपसर्ग नहीं है। तो यह कुसुम में नहीं होगी, बाकी कुपुत्र, कुपत, कुमार्ग इन तीनों में ही कु उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है 58, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है। तो यहाँ पर पुलिंग शब्द होगा पहिया, ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 59 है, पूछा गया है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जो लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ रहेगा ये रहेगा विकल्प डी कठिन संघर्ष में फंसना। अगला क्वेश्चन 60 है, पूछा गया है मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का क्या आशय होता है। तो ये होता है ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता रखना, विकल्प भी उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन 61 है, पूछा गया है दही बड़ा में कौन सा समास है। तो जो दही बड़ा में समास रहेगा यह तत्पुरुष समास रहेगा, सी उचित विकल्प है। अगला क्वेश्चन 62 है, पूछा गया है शब्द के अर्थ बोधक आधार को क्या कहते हैं। तो जो शब्द के अर्थ बोधक आधार को कहते हैं शब्द शक्ति, सी उचित विकल्प है। अगला क्वेश्चन 63 है, किसी लिपि में
किस लिपि में देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? तो जो ब्राह्मी लिपि है इससे देवनागरी लिपि का विकास भी माना जाता है, विकल्प भी उचित होगा। अगला क्वेश्चन 64, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध शब्द है या कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ये होगा शुद्ध वाक्य डी, वे भलीभांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 65, पूछा गया है यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का है? तो जो ये वाक्य है यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य होगा, यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला क्वेश्चन 66 है, पूछा गया है आचार्य भरत के रसोत्तर के प्रथम व्याख्याता हैं। तो जो आचार्य भरत के रसोत्तर के प्रथम व्याख्याता होंगे तो ये हैं विकल्प ए, भट्ट लोलट। अगला है 67, पूछा गया है निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? तो जिसे काव्य हेतु नहीं माना गया है तो वो है विकल्प बी, प्रेरणा। बाकी व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा, इन तीनों को ही काव्य हेतु माना गया है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण काव्य हेतु होता है तो वो होता है विकल्प डी, प्रतिभा। अगला क्वेश्चन है 68, पूछा गया है रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? तो जो रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद मत है यह अभिनव गुप्त का है, यहाँ पर विकल्प ए उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन 69 है, पूछा गया है विशिष्ट पद रचना किस काव्यशास्त्री संप्रदाय से संबंधित है? विशिष्ट पद रचना जिस संप्रदाय से संबंधित रहेगा तो वो है विकल्प सी, रीति संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है 70, पूछा गया है औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन थे? तो जो औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य थे तो ये थे विकल्प डी, क्षेमेंद्र। दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एक PDF को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको हिंदी साहित्य के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जितने भी प्रश्न होंगे ये सभी वस्तुनिष्ठ होंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य को कवर किया गया है, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस PDF को परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ WhatsApp मैसेज करना है, आपके प्रश्न का उत्तर आपको जल्द ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोहा और रोला छंदों के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? तो जो दोहा और रोला छंद है इनके द्वारा कुंडलिया छंद बनता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जो सही विकल्प सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है ऑन द सबलाइन नामक रचना किसकी है? तो ये रचना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसके रचनाकार होंगे विकल्प भी, लॉन्जाइनस। तो जो लॉन्जाइनस थे इनके द्वारा ऑन द सबलाइन नामक रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है लिरिकल बैलेड्स से पाश्चात्य काव्य में किस बात का परिवर्तन होता है? तो ये होता है स्वच्छंदतावाद का परिवर्तन, यहाँ पर जो विकल्प डी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 74, पूछा गया है काव्य सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया? तो ये बताया था क्रोचेट ने। तो जो क्रोचेट थे इनके द्वारा काव्य सृजन के लिए सहज एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान को महत्वपूर्ण माना गया था। तो ये प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 75, पूछा गया है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्तियों में कौन सा वर्णिक छंद है? तो जो ये काव्य पंक्तियां हैं इसमें छंद होगा द्रुत विलंबित, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। तो जो ये पंक्तियां हैं ये हरि औदी की पंक्तियां हैं, प्रिय प्रवाह से ली गई हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा प्रश्न ये भी। अगला क्वेश्चन है 76, पूछा गया है निम्नलिखित में से ममटकृत ग्रंथ कौन सा है? तो जो ममट के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है ये लिखा गया है विकल्प सी, काव्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है 77, पूछा गया है मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? तो जो मुख्यार्थ बाधा है यह लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण होगा।
अगला क्वेश्चन है 78, पूछा गया है पहरे श्यामना पीत पट घन में बिच्छू बिलमस, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर अलंकार रहेगा अपनहूति अलंकार, डी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 79, पूछा गया है लुंजाइनस ने उद्दात के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो जो लुंजाइनस के द्वारा उद्दात के स्रोतों का उल्लेख किया गया है यह 5 होंगे, यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 80, पूछा गया है उत्तरी नहाए जमुन जल जो शरीर शमश्याम काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर अलंकार होगा विकल्प द प्रतीप अलंकार। आगे क्वेश्चन है काव्य में अभिव्यंजना बाद कृति के लेखक कौन है? तो जो काव्य में अभिव्यंजना बाद कृति होगी इसके लेखक होंगे लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विकल्प ए उचित रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 82, पूछा गया है बिंब के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो जो बिंब के विषय में निम्न में से सही कथन होगा तो वो होगा विकल्प द, बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है, डी सही विकल्प रहेगा। आगे क्वेश्चन है 83, पूछा गया है काव्यम गृहामलंकारात् सौंदर्यमलंकारः किस आचार्य का कथन है? तो ये होगा विकल्प डी बामन जी का कथन। अगला क्वेश्चन है 84, पूछा गया है डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं, तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं ये किस प्रकार के आलोचक हैं? ये हैं रसवादी आलोचक, यहाँ पर जो विकल्प बी है उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 85, रसमीमांसा किसका ग्रंथ है? तो जो रचना है रसमीमांसा, इस ग्रंथ के रचनाकार होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर जो विकल्प ए है उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 86, पूछा गया है विवेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जो विवेचन सिद्धांत के प्रतिपादक होंगे तो ये होंगे विकल्प डी अरस्तु। अगला क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से सौष्टववादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो जो सौष्टववादी आलोचक कहा जाता है यह आचार्य नंदुरारे वाजपेयी को कहा जाता है, यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान है? तो जो कुमाऊनी कवि गुमानी है इनका जन्म स्थान है उपराड़ा में, यहाँ पर सी उचित विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? तो जो रमेश चंद्र शाह की रचना होगी तो ये होगी उकाब उल्लाद, बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 90 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक कथाकार उत्तराखंड से नहीं है? तो ये होंगे बेदराही, बाकी हिमांशु जोशी, शैलिश मटियानी, विद्यासागर नौटियाल, ये तीनों का ही संबंध उत्तराखंड से रहा है। अगला क्वेश्चन 91 है, पूछा गया है न्योली लोकगीत संबंधित है? तो जो न्योली लोकगीत है ये संबंधित होगा उत्तराखंड से, यहाँ पर ए उचित विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 92, पूछा गया है शिवानी का वास्तविक नाम है? तो जो शिवानी थी इनका वास्तविक नाम है गौरापंत, डी उचित विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 93 है, पूछा गया है खुदेड़ गीत है? तो जो खुदेड़ है ये पूछा गया है किस प्रकार का गीत है? तो यह विरह गीत होगा, यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला जो क्वेश्चन 94 है, पूछा गया है बुरांश कविता के रचयिता कौन है? तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जो बुरांश कविता के रचयिता हैं ये होंगे सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पर बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 95 है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कविता शेरसिंह अनपढ़ की है? तो जो शेरसिंह अनपढ़ की कविता होगी तो ये होगी विकल्प ए मुर्दाक बयान। अगला क्वेश्चन है 96, पूछा गया है पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन हैं?
तो जो पहाड़ पर लालटेन के कवि होंगे तो ये होंगे मंगलेश डबराल, विकल्प भी उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन 97 है, पूछा गया है उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा संशय है, उत्तर तालिका के अनुसार सही विकल्प बताया गया है चंद्र कुंवल बतवली, तो मुझे थोड़ा सा इस पर संशय लगता है। अगर आपको इसका सही और कन्फर्म उत्तर पता है तो आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है 98, पूछा गया है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो जो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान माना जाता है तो ये माना जाता है कौसानी, यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 99, पूछा गया है शैलेश मटियानी का पूरा नाम क्या है। तो ये है विकल्प सी, रमेश सिंह मटियानी शैलेश। आज का अंतिम प्रश्न है, नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों में होती है। तो ये होती है हर 12 वर्ष के पश्चात। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।